नमस्कार, इस वक्त 7 बज रहा है। हम हाजिर हैं देश दिन भर के साथ। आज की बड़ी खबरों में, क्यों सोनिया गांधी आग बबूला हुई, किस आरोप पर उनको इतना गुस्सा आया। साथ ही साथ ललित मोदी के मुद्दे पर कांग्रेस जो गंभीर आरोप लगा रही थी, उनको लेकर सुषमा स्वराज ने आज जमकर पलटवार किया। राधे मां पर उन्हीं के गुरु भाई ने अपने गुरु की हत्या का शक जताया है और लाइव ये बात उन्होंने IBN 7 पर कही है। विस्तार से आपको बताएंगे क्या उनका कहना है। दिल्ली में 8 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई और पत्थर से उसके सिर पर मारकर उसे मार डालने की भी कोशिश की गई। इलाहाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान एक कांवड़िए को खुलेआम सड़क पर सांप को नचाते हुए देखा गया और गोरखपुर में छेड़खानी करने पर एक शख्स की लोगों ने जमकर पिटाई की। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं राधे मां से। राधे मां पर अब तक का सबसे बड़ा हमला उन्हीं के गुरु भाई ने उन पर किया है। उनका नाम है श्याम सुंदर। महंत श्याम सुंदर का कहना है कि कांगड़ा के उनके जो गुरु थे स्वामी परमहंस, उनकी मौत के पीछे उन्होंने आशंका जताई है कि राधे मां का हाथ हो सकता है। ये दो तस्वीरें हैं एक ही गुरु के दो शिष्यों की। गुफा में माला जपते महंत श्याम सुंदर, दूसरी तरफ भक्तों के साथ डांस करती राधे माँ। इन दोनों के गुरु एक हैं, स्वामी परमहंस। ये दोनों गुरु भाई बहन हैं। राधे माँ पर छिड़े विवाद के बीच सुदूर हिमाचल के कांगड़ा में रह रहे उनके गुरु भाई श्याम सुंदर सामने आए और उन्होंने आशंका जताई कि श्री श्री 1008 महंत परमहंस की मौत के पीछे राधे माँ हो सकती हैं। उनका कहना है कि राधे माँ लालच में फंसी हैं। बंगले ले रही है, गाड़ियाँ ले रही है, 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टरों की डिमांड करती है। फिर गरीब को तंग करना अच्छी बात नहीं है। इधर दिल्ली में राधे मां के समर्थन में हिंदू महासभा के एक गुट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि राधे मां पर दहेज का आरोप बेबुनियाद है। राधे मां के समर्थकों ने कहा कि ना तो वो मांस खाती हैं और ना ही मदिरा का सेवन करती हैं। ऐसा है कि ये छोटे मोटे मामलों को इस पे बढ़ा चढ़ा कर दिखाना अशोभनीय, गलत है और हिंदू समाज पर हमला है। हमारा कहना ये है कि छोटे मोटे मामले हैं। इन तमाम आरोपों के बीच एक और आरोप मुंबई में राधे मां पर लगाया, उसकी बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में ये कहा गया है कि राधे मां तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को फंसाती हैं। राधे मां अब मुंबई के एक वकील के निशाने पर हैं। बोरीवली में पुलिस को दी गई शिकायत में वकील ने आरोप लगाया है कि राधे मां तंत्र मंत्र से भोली भाली जनता को ठगा करती हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस से मांग की है कि राधे मां के खिलाफ अंधश्रद्धा का केस दर्ज किया जाना चाहिए। लोग किसी के ऊपर भरोसा करते हैं और ऐसे लोग अगर ऐसा करते हैं भगवान के नाम पे, तो वो अगेंस्ट ऑफ लॉ है और ऐसे लोगों के विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राधे मां के खिलाफ अब तक देश के कई हिस्सों में शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। कांदीवली पुलिस ने निक्की गुप्ता मामले में 6 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, लेकिन राधे मां का बयान दर्ज होना अभी बाकी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुषमा स्वराज पर आज जमकर हमला बोला और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ये सवाल उठाए कि 12 करोड़ रुपए जो सुषमा स्वराज के परिवार को ललित मोदी ने दिए, वो क्यों दिए। कल सुषमा जी ने मेरा हाथ पकड़ा, ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम मेरे से गुस्सा क्यों हो, मैंने तुम्हारा क्या किया। और मैंने सुषमा जी से कहा, सुषमा जी मैं आपसे गुस्सा नहीं हूं, आपकी मैं आदर करता हूं और मैंने आपकी आंखों में देखा जैसे मैं अभी देख रहा हूं और आपसे कहा ऐसे, और मैंने आपसे कहा, सुषमा जी मैं सत्य बोल रहा हूं और आपकी आंखें ऐसे गईं, आपने अपनी आंखें नीचे की, सच है। लोकसभा में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बेहद नाराज नजर आई और उसका कारण ये था कि बीजेपी के एक सांसद ने सोनिया गांधी की बहन पर टिप्पणी कर दी। सोनिया गांधी के ये तेवर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। वेल में आकर गुस्से का इजहार करते सोनिया को इस तरह शायद ही किसी ने देखा होगा।
ललित मोदी विवाद पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। तभी बीजेपी सांसद दुष्यंत गौतम ने सोनिया गांधी की बहन पर टिप्पणी कर दी। इतना सुनना था कि सोनिया पूरे लाव लश्कर के साथ वेल में आ गई और दुष्यंत गौतम से माफी की मांग की। ये पहला मौका था जब सोनिया वेल में आई। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि सुषमा स्वराज ने आईपीएल के घोटालेबाजों की मदद की। उनके मुताबिक ललित मोदी की पत्नी की मानवीय आधार पर मदद और कानूनी पक्ष दोनों अलग बातें हैं। किसी का पासपोर्ट अगर कैंसल हुआ और वो एक इकोनॉमिक ऑफेंडर है, वो विदेश में रहता है, उसके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है, तो क्यों आप अपील में नहीं गए, मैं पूछना चाहता हूँ। संसद में कांग्रेस के हंगामे के बीच सुषमा स्वराज ने कई सवालों के जवाब दिए और खास तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसपे उनपे यह आरोप लगे कि उन्होंने छिपकर कोई गलत काम किया। सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में कहा कि उन्होंने कोई काम छुपकर नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई काम छुपकर किया गया तो वो राजीव गांधी के कार्यकाल में एंडरसन को भगाने का काम हुआ। सुषमा जी ने जो काम किया है वो छुप छुप के किया। मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया। अगर छुप छुप के किया तो क्वात्रो जी को भगाने का तुमने किया। इस अंदाज में सुषमा का जवाब सुनकर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भावुक हो गए और उन्होंने सुषमा की पीठ भी थपथपाई। और अब आपके स्क्रीन पर आ रही है एक चौंका देने वाली खबर। ये मुंबई से आप विजुअल देख रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है और इसमें आपको नजर आ रही है ये कार जिसके बोनेट पर आपको एक बस का ड्राइवर नजर आएगा। नवी मुंबई के एरोली इलाके में बस और कार के बीच टक्कर हुई। बस ड्राइवर नीचे उतरा, उसने कार वाले को रोकने की कोशिश की मगर कार सवार ने गाड़ी को दौड़ा दिया और बस के ड्राइवर को बोनेट पर लटकाते हुए तकरीबन 300 मीटर तक उसने ड्राइव किया। ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। इस घटना में बस का ड्राइवर घायल है और पुलिस ने स्विफ्ट कार के ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बिहार विधानसभा में अब ये सीटों का समझौता हो गया है जिसके मुताबिक जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी 100 सीटों पर और 40 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी मुखिया लालू यादव एक साथ मंच पर आए, ऐलान किया कि दोनों 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अपनी सहयोगी कांग्रेस को उन्होंने 40 सीट दी है। इस मौके पर नीतीश ने कहा कि एनडीए को बिहार की सत्ता से दूर रखने के लिए महागठबंधन की तरफ से संयुक्त कार्यक्रम का फैसला किया गया है, इसमें कांग्रेस भी शामिल होगी। पहला कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में 30 अगस्त को होगा। उधर लालू ने कहा कि बीजेपी को मिलकर बाहर कर देंगे। 100 सीट राष्ट्रीय जनता दल, 100 सीट जनता दल यूनाइटेड और 40 सीट कांग्रेस लड़ेगी। एक है एक रहेंगे, खाली पाव भाजपा को आरएसएस को नागपुर पहुंचवा देंगे। ये बिहार की जनता तय कर चुकी है और हम लोग चले समझ। देश दिन भर में अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां शोपियां में सेना की एक टुकड़ी पर आतंकवादियों ने हमला किया है और उसी तरह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से खबर ये आ रही है कि पुलिस ने वहां पर दो आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकियों ने सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल के जवानों को निशाना बनाया। ये जवान एक टाटा सुमो पर सवार होकर ईमा साहिब इलाके से गुजर रहे थे। आतंकियों के इस हमले में सेना का जवान प्रभुराम बुरी तरह जख्मी हो गया। हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर कर सघन तलाशी अभियान छेड़ दिया। वहीं किश्तवाड़ में पुलिस ने चौगान इलाके से दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आतंकी बुर्का पहनकर आज उस जगह की रेखी कर रहे थे जहां 15 अगस्त का कार्यक्रम होना था। ये आतंकी 2 साल पहले मारे गए लश्कर कमांडर सलमान खान के सगे भाई बताए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पुंछ के सब्जियां सेक्टर में फायरिंग की। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों पर मोर्टार भी दागे गए। देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल है आप इसी से समझ लीजिए कि ओखला इलाके में 8 साल के एक बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की गई और जब ये बच्ची चिल्लाई तो उसके सिर पर पत्थरों से कई बार वार किए गए। कोशिश ये थी कि उसे मार डाला जाए।
दक्षिणी दिल्ली के ओखला इलाके के इसी जंगल में सोमवार को खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। जंगल गई एक महिला को खून से लथपथ एक बच्ची दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक 8 साल की बच्ची को स्कूल से उसका एक पड़ोसी अपना रिश्तेदार बताकर ले आया। आरोप है कि वो बच्ची को इस जंगल में लेकर आया, फिर उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। बच्ची ने जब शोर मचाया तो उसने मासूम के सिर पर पत्थर से हमला किया और फिर किसी नुकीली चीज से हमला कर फरार हो गया। छानबीन हुआ तो 5:30 बजे ये खबर मिला इस बात को कि लड़की जो है वहाँ पड़ी हुई है। स्कूल से उसी का पड़ोसी नेपाली है, वो उठा के लाया जंगल में ले जाके उसको वार किया, मार के ही छोड़ गया था। वारदात की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल आरोपी फरार है और बच्ची अस्पताल में मौत से जूझ रही है। वो कंफर्म करते हैं कि उनको सेक्सुअल असॉल्ट का शुबा है और सेक्सुअल असॉल्ट उन्होंने कंफर्म किया है। पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी की जांच में पाया कि बच्ची को पड़ोसी ही स्कूल से ले गया था। पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई टीम गठित कर दी है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति तो खराब है ही, लेकिन दिल्ली में ही एशिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर जो घटना हुई है उसको सुनकर आप चौंक पड़ेंगे। गैंग वॉर हुआ तिहाड़ जेल के अंदर और उसमें कैदी को मार डाला गया। पुलिस के मुताबिक हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद कैदी दीपक उर्फ जाट पिछले 7 साल से जेल नंबर 8 में बंद था। मंगलवार रात तकरीबन 10:30 बजे ये वारदात हुई। दीपक के साथ वार्ड नंबर 5 में सतपाल और उसके 4 साथी भी बंद थे। पुलिस के मुताबिक सतपाल सजा याफ्ता और विचाराधीन कैदियों से जबरन उगाही करता था। उसने दीपक से भी वसूली की कोशिश की मगर उसने इनकार कर दिया। इसके बाद मंगलवार रात दीपक पर हमला कर दिया गया। जेल प्रशासन ने दीपक को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में दाखिल कराया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी सतपाल डबल मर्डर केस में जेल में बंद है, जबकि दीपक के ऊपर किडनैपिंग, चोरी और डकैती के 14 मुकदमे चल रहे थे। दीपक 2008 से तिहाड़ जेल में बंद था। तिहाड़ जेल में रविवार को भी एक शख्स ने जेल के अंदर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि तिहाड़ जेल के जिस वार्ड में इस कैदी को मारा गया है उसे एक हाई सिक्योरिटी वार्ड कहा जाता है। देश दिनभर में लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद। देश दिनभर में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से खबर ये आ रही है कि एक माँ और उसकी बेटी ने एक मनचले को जमकर ऐसा सबक सिखाया कि वो भी लंबे समय तक याद रखेगा। कहा यह जा रहा है कि इस महिला और उसकी दो बेटियों के साथ इस आदमी ने छेड़खानी की थी और उसका क्या हाल किया ये देखिए। छेड़खानी के आरोप में ये शख्स बीच सड़क पर लोगों के गुस्से का शिकार हो रहा है। आरोप है कि ऑटो में एक महिला के साथ चढ़ी उसकी दो बेटियों के साथ इसने छेड़खानी करनी शुरू कर दी। बेटियों के साथ होती इस हरकत से मां को गुस्सा आ गया और फिर उसने आरोपी को ऑटो से उतार कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। मां को देखकर बेटी ने भी छेड़खानी करने वाले शख्स की धुनाई कर दी। हंगामा देखकर जुटी पब्लिक ने भी आशिक मिजाज शख्स को जूते चप्पलों से खूब पीटा। हंगामे की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने छेड़खानी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने खुद को मोतिहारी का रहने वाला बताया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ छेड़खानी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में डीजे पर बैन है, लेकिन इसका कोई खास असर उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है। और अब तो एक मामला ऐसा भी सामने आया है जिसमें शिव भगवान का रूप धारण करके कांवड़िए असली सांप को नचा रहे हैं। इलाहाबाद की सड़कों पर शिव का रूप धरे कांवड़िया संगीत की तेज धुन पर मगन होकर नाच रहे हैं और उनके हाथ में एक सांप भी है। जी हाँ, ये सांप प्लास्टिक का नहीं बल्कि असली है। आसपास बाकी कांवड़िए भी खड़े हैं और देखिए किस तरह से सांप नचाने वाले कांवड़िए का हौसला बढ़ा रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि डीजे बैन करके गलत किया है। हम लोग के पास भक्ति गीत नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं पहुँच सकते किसी भी हाल में, क्योंकि उस तरफ का साइड जो है बड़ा जंगलमय है। और ये हम लोग जो शंकर जी और काली जी का जो ये नृत्य करवाते हैं इससे हम लोगों को भक्तिमय जो है माहौल बना रहता है। बहरहाल इस तरह सांप को लेकर करतब दिखाने को ये कांवड़िया जायज ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि सांप जहरीला नहीं है और इस तरह की भक्ति के लिए उन्हें भगवान शंकर से शक्ति मिलती है।
लोगों का कहना है कि जहां एक तरफ कांवड़ियों का उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए, वहीं उनको थोड़ा सा अनुशासन सिखाना और बताना भी जरूरी है। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की, जिनकी जिंदगी पर एक फिल्म बन रही है। इस फिल्म का मुहूर्त हुआ जिसमें उनके भाई और मंत्री शिवपाल यादव भी पहुंचे। कैमरों की चकाचौंध और सामने फिल्म नेताजी का विशाल पोस्टर। मुलायम सिंह यादव की जिंदगी पर बन रही फिल्म नेताजी का निर्देशन करेंगे डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्देशक विवेक दीक्षित और निर्माता हैं संदीप शुक्ला और सरजीत सिंह। फिल्म में मुलायम सिंह के गांव से लेकर विधानसभा तक के सफर को दिखाया जाएगा। नेताजी का लंबा जीवन का जो संघर्ष है उसी पर आधारित एक जो फिल्म बना रहे हैं, तो इससे पूरे समाज को एक प्रेरणा मिलेगी। मुलायम सिंह की भूमिका कौन निभाएगा अब तक ये तय नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके लिए राहुल बोस के नाम पर विचार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम के राजनीतिक गुरु राम मनोहर लोहिया के किरदार के लिए नसीरुद्दीन शाह के नाम की चर्चा है। बहरहाल साफ साफ कुछ नहीं कहा जा रहा, मगर अगले 15 दिनों में फिल्म की कास्टिंग का ऐलान हो सकता है और फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। देश दिन भर में आज इतना ही, लेकिन अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद भी आईबीएन 7 के साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम खोलेंगे 3,500 साल पहले का रहस्य।